इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स माइनस वन ओवर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, इनको हमने पहले फार्मूले के ज़रिए इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, कोई फंक्शन ठीक से नहीं बन रहा जिसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएँ। तो पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। ये देखें, ये फार्मूला है, ये कॉस टू एक्स होता है वन माइनस साइन टू साइन स्केयर एक्स के, हमें चाहिए कॉस टू एक्स माइनस वन। कॉस टू एक्स माइनस वन होता है माइनस टू साइन स्केयर के, माइनस टू साइन स्केयर एक्स ऊपर लिखा और नीचे वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल होता है टू कॉस स्केयर एक्स के, टू कॉस स्केयर एक्स। ये टू तो टू से कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर माइनस भी रहा और साइन स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स और डी एक्स, तो साइन ओवर कॉस इनका स्केयर भी है तो टेन स्केयर एक्स के इक्वल आएंगे ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का टेन स्केयर एक्स डी एक्स। टेन स्केयर एक्स किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्केयर एक्स के, सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन के। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा। सीकेंड स्केयर का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? सीकेंड का इंटीग्रेशन होता है, सीकेंड स्केयर हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। तो मैंने टेन एक्स लगाया यहाँ पे, माइनस वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, मतलब पावर में एक बढ़ाना होता है। तो जब वन होगा तो वहाँ पे हम जहाँ वन होगा वहाँ पे एक्स लिखेंगे उसकी इंटीग्रेशन में, प्लस कॉन्स्टेंट भी लगाना है। तो ये इसका आंसर है माइनस टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस सी। थैंक यू।